का मतलब आप अपने आप को अपडेट करोगे नहीं, मार्किंग करने के बाद ग्रुप कटिंग करना और आईडी से ग्रुप कट करने में टाइम का और खर्चे का कितना डिफरेंस है इसकी कैलकुलेशन पता है? टोटल 32% पैसे की सेविंग होती है और प्लम्बर के टाइम की सेविंग होती है अगर वो मार्किंग करके कट करता है। और एक वही पुराना तरीका तलारी साहब देखी जाएगी वो पुराना तरीका, ये डिफरेंस है जिसके ऊपर हमने काम किया। तो ये सब हम करवाते हैं, वो तब पता लगता है जब आप यहाँ पे करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप जैसे और जवान नौजवान होंगे जो पंजाब में हैं जिनको भी नहीं आएंगे, और उससे भी अच्छी बात है। अब आते हैं मुद्दे पर, तो बात बीच में रह जाएगी, पानी की प्यास भी लग रही होगी। सो हॉस्टल फ्री, खाना पीना फ्री, लाना ले जाना फ्री, ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरा हमको ना वहाँ पे 25,000 रुपये, पीछे ना रेलवे लाइन के पार एक कॉलोनी है गरीब सी, उसमें 25,000 रुपये में कोठी मिल रही थी हमको 10 कमरों की, हम बच्चों को वहाँ पे भी रख सकते थे, पर यहाँ सेफ्टी नहीं है इसलिए हमने उनको सेक्टर में रखा। सेक्टर जानते हैं मतलब गवर्नमेंट की गेटेड सोसाइटी, वहाँ पे 89,000 का हमने हॉस्टल लिया, यहाँ 25 वहाँ 90,000, 25,000 रुपये में काम चल जाता मेरा, मेरी गारंटी थोड़ी ना। अभी बाहर क्यों घूम रहे हो, रहो अंदर। पर कंपनी ये नहीं देख रही, कंपनी देख रही है। और फिर उससे बड़ी बात, 55,000 रुपये की बस भी लगाई है फिर लाने ले जाने के लिए, सामने रहते तो पैदल आ जाते रोजगार। बात वो नहीं है ना, बात तो है कि मन की तसल्ली तो नहीं होगी ना इनको, यहाँ डाल दूंगा किसी का घर परिवार, किसी के साथ कोई हादसा हो तो जवाबदारी तो हमारी है, इसलिए सारे ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी आपके 75 दिन की। आप आते हैं मुद्दा, उसके बाद होगा एक एग्ज़ाम, फिर ट्रेनिंग के टाइम पे 9 एग्ज़ाम होंगे, टेंशन नहीं लेनी है। 80% प्रैक्टिकल है, 20% थ्योरी है। जो हमारे अंदर के एग्ज़ाम होंगे वो 9 होंगे, उस 9 एग्ज़ाम के बदले में आपको पास होने के बाद आशीर्वाद का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, एक तरह है। दूसरी बात, एक सरकारी एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम का भी रूल वही है, 80% और 20% पास हो जाते हैं। आज तक एक ही लड़का फेल हुआ, वो भी वो निकम्मा जो आया ही, लगभग सब पास हो जाते हैं। उस सरकारी सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, लोन लेना हो, मुद्रा लोन 2.5 लाख रुपये तक का एक लोन है गवर्नमेंट का, जो बहुत कम सब्सिडी में मिलता है, 3% 4% अपना काम करने के लिए, वो लोन लेना हो, विदेश जाना हो, चाहे वो कनाडा जाना हो, चाहे कहीं जाना हो, आप इस सर्टिफिकेट के बिहार पर कुछ भी कीजिए, वो एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी हम आपको दिलाते हैं। और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू पैन इंडिया भारत सरकार का ठप्पा लगा है हमारा रोड, दो दो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। अब आप एक सर्टिफाइड प्लम्बर, आपके पास एक पुराने ट्रेडिशनल प्लम्बर से ज़्यादा ऑप्शन ग्रो करने के, विदेश जाने के, विदेश में भी जाके क्या काम करते हैं, काम तो यही करते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, प्लम्बर, हाउस कीपिंग, वेटर का काम, नर्स का काम, यही तो काम है, और क्या काम करते हैं, हम वहाँ जाके कौन से मैनेजर हो जाते हैं। पर वहाँ जाने के लिए जो आपके पास कागज नहीं होते ना, वहाँ पे ये कागज़ खड़े करते हैं, ये इसकी बात है। ये जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, इस गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की फ़ीस है 2,000 रुपये, एक्चुअल फीस है 1950 रुपये, हमको ये गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, तब वो आते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं भाई हमसे पैसे वगैरह है नहीं, तो ये 1950, और ये 1950 2000 बोल के हम आपसे लेते हैं। कारण बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि इस कोर्स की लागत है, ये 1950 2000 इसलिए है ताकि ना बच्चा भी कदर करे यहाँ की, फ्री के चीज़ की तो हम कदर नहीं करते ना, हम तो शाणे बहुत हैं, हम तो इंडिया वाले हैं, हमको तो फ्री का मिला हमने वहीं बिच जाना है। जबकि सच्चाई क्या है कि यहाँ पर आने के बाद, इससे आपको बताते हैं, अभी 29 तारीख को इस बैच का फेयरवेल, ठीक है, 1537 रुपये के तो केवल उनके हर बच्चे की कीमत बता रहा हूँ, प्लस 18% GST, हर बच्चे के लिए तो ये गिफ्ट दे रहे हैं, केवल 29 तारीख को इनको जाने को बात होगी ना, अगर खर्चे की तो रहना खाना पीना इस तरह की ट्रेनिंग, इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, ये तो आधार। मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या है, हम पैसा कमाने के लिए तो कुछ भी नहीं करते, 1,500 रुपये का तो हम केवल इनको गिफ्ट दे रहे हैं, प्लम्बर की किट, उसमें वो सारे सामान एक एक सेट हैं, बैग वगैरह हैं, हाँ दो मिनट बस, एक मिनट दो ब्रेक दे देता हूँ मैं, 2 मिनट और लूँगा ब्रेक, वहीं पर अंदर नहीं, अंदर बाद में। सो ये गिफ्ट है, मैंने बताया जूते दे रहे हैं, 1,500 रुपये तक के तो जूते हैं जो उनको दे रहे हैं, पैसे का कोई वो नहीं, कंपनी के लिए 2,000 दो ही कारण से ले रही है, पहली बात है।